हेलो फ्रेंड्स, सीईटी यूजी 2024 के जो फॉर्म्स हैं वो बहुत जल्द आउट होने वाले हैं। अभी जो डेट्स निकल करके आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग 19th फेब से जो है आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये आपने जगह जगह सुना होगा, लेकिन यार मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भाई जब रजिस्ट्रेशन आउट होना तब आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। क्योंकि अगर आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं पता होंगे और आप कुछ गलती कर देंगे तो आपका एडमिशन हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगा स्टार्ट होने से पहले ही, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर ए टू जेड डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूँ जो आपके पास होने चाहिए, एंड उसके लिए हम लोग चलेंगे हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ड्यूबडी जो है लास्ट 4 साल से बच्चों के एडमिशन में हेल्प कर रहा है। आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, 2 साल सीयूईटी आने से पहले एंड 2 साल अभी। एंड राइट नाउ वी आर अ स्टार्टअप विच इज इंक्यूबेटेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटीज क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। मतलब पहले हमने एज अ यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, बट अब हम एज अ स्टार्टअप डीयू के अंदर हमें ऑफिस मिला हुआ है। तो हमारी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो 100% ऑथेंटिक एंड रिलायबल आपके लिए आने वाली है। सो चलिए चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, ये जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इनकी रिक्वायरमेंट आपको होगी। तो ये लिस्ट अपन समझेंगे क्या क्या चाहिए, साथ ही साथ जो सीयूईटी पीजी के फॉर्म निकले थे उनके अंदर जो आपकी डेट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, जो बच्चों को काफी डाउट रहती है कि कब का बना होना चाहिए, स्टेट का, सेंटर का, ये चीजें भी अपन समझेंगे। तो कुल मिला के अपन इस वीडियो में आपके डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट जो है ना रिक्वायरमेंट वो समझ लेंगे। इसके बाद आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। लास्ट 4 साल से हम बच्चों की यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में हेल्प कर रहे हैं, सीयूईटी तो अभी 2 साल से आया है, उससे पहले से आप हमारा चैनल जाके चेक करेंगे तो हम 2020 से जो है बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। तो देखो यार, सबसे पहले आपको एक आपका रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट हो या कलर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक रीसेंट फोटोग्राफ जिसके अंदर आपका 80% फेस। अब इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरे में 80% है 70% है, जो नॉर्मल आप अपनी फोटो खिंचवाते हो ना, नॉर्मल फोटो पासपोर्ट साइज, वो आपकी फोटो होनी चाहिए। मास्क आपको पहनना नहीं है, व्हाइट बैकग्राउंड एंड आपके कान दिखने चाहिए उस फोटो में। इतना ज्यादा जूम नहीं करना कि कान आपके कट जाए, सिर्फ आपका ये मुंह आ रहा हो, कान दिखने चाहिए एंड 80% आपका फेस ऑटोमेटिकली एक पासपोर्ट साइज फोटो में आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये फोटोग्राफ आपको रिसाइज करके अपलोड करनी होगी, 10 KB से 200 KB के बीच क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। ये जब आपका फॉर्म आएगा तब हम लोग बता देंगे कि कैसे आपको रिसाइज करना है। आपका फिर एक सिग्नेचर आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा, सिंपल व्हाइट पेज पे अपना सिग्नेचर कर लेना है। वो सिग्नेचर 4 KB से लेकर के 30 KB के बीच का होना चाहिए, ठीक है। ये दो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को, डॉक्यूमेंट्स भी क्या ही बोलेंगे यार, एक फोटो और एक साइन तो है ही। तीसरी चीज जो रिक्वायर्ड होती है ना वो आपकी क्लास 10th की सर्टिफिकेट जो है आपकी, या फिर मार्कशीट बोल लीजिए, वो रिक्वायर्ड होती है। क्लास 10th हर किसी ने पास किया होगा तो वो आप लोगों को अपनी उठा करके रख लेनी है, ठीक है, वो आप लोगों को अपलोड करनी होगी। अब फोर्थ हर किसी को रिक्वायर्ड नहीं होती, सिर्फ उन बच्चों को रिक्वायर्ड होती हैं जो कैटेगरी से होते हैं, किसी ना किसी कैटेगरी से, द साइज ऑफ स्कैंड कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी से हैं, आप अगर एसटीएससी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, पहले मैं एक जनरल वालों को बात बता देता हूं। अगर आप ओबीसी के अंदर अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हो, आप ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, तो यार आपको जरूर जरूर ईडब्ल्यूएस बना लेना चाहिए। 20 से लेकर के 50-60 नंबर तक का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। जब अगर आप एसआरसीसी की बात करोगे ना, 780 पे जनरल का एडमिशन होता है, वहीं 750 तक ईडब्ल्यूएस का एडमिशन हो जाता है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपको वो बनवाना चाहिए, पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं ओबीसी, एसटीएससी, ईडब्ल्यूएस इन सर्टिफिकेट्स के बारे में। अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंडर अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद बनी होनी चाहिए, जब आप ये सीयूईटी का फॉर्म फिल कर रहे होंगे, ये आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ये आप लोगों को बनवानी है सर्टिफिकेट, अभी 1 अप्रैल 2023 के बाद की बनी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो वो लोग तो बोलते हैं कि 1 अप्रैल 2024 के बाद की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक जो फाइनेंशियल ईयर है ना, फिस्कल ईयर जिसको बोलते हैं, वो 31st of March को खत्म हो जाता है। तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स निकलते हैं मई अप्रैल में, तो उस टाइम आपको दोबारा बनवाना ही पड़ेगा। तो आप एक बार अभी बनवा के इसके अंदर लगा दीजिए एंड दोबारा आपको बनवाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, लास्ट ईयर क्या हुआ था ना कि जिन बच्चों ने इस फॉर्म के अंदर गड़बड़ भी छोड़ दी थी, अपलोड भी नहीं किया था, यूनिवर्सिटीज ने उनको अपने पोर्टल पे चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया था। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो
मत बनवाओ। लास्ट ईयर बच्चों ने रिस्क लिया था, उनका कामयाब हो गया था, उन्होंने पुरानी अपलोड कर दी थी, देन यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे सही कर दी थी। लेकिन मैं आपको यही गाइड करूंगा कि फालतू का रिस्क क्यों लेना है, बनवा लो यार आप, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये आपको 1 अप्रैल 2023 की जो है उसके बाद की बनी हुई आपकी जनरल EWS की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। OBC NCL की जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद की बनी होनी चाहिए, प्लस सेंटर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। स्टेट की सर्टिफिकेट नहीं मानते, ठीक है, सेंटर की सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। इसके अंदर भी वही सेम चीज, लास्ट ईयर काफी बच्चों ने तो अपनी कैटेगरी भी CUET में OBC सेलेक्ट नहीं की थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के फॉर्म में कर दी, वहां पे OBC सर्टिफिकेट लगा दी, आज के दिन OBC में उनका एडमिशन हो रखा है। बट अगेन रिस्क नहीं लेना चाहिए यार, गवर्नमेंट ये है कि जब तक आपको नहीं, छोटी छोटी चीजों पे छेड़ती तो नहीं छेड़ती, लेकिन जब उनका मन करता है तो वो एकदम, मान लेते हैं कोई ऑफिसर चेंज हुआ वहां पे, जो ऊपर जो भी इनके डायरेक्टर हैं, तो वो एकदम फटाफट बोल देंगे नहीं भाई जिन्होंने ये किया है हम तो उसी की मानेंगे, तब आप फंस जाओगे। तो बेटर है 100-200 रुपए लगेंगे, आप बनवा लो एक अभी, एक आप लोग 1 अप्रैल 2024 के बाद बनवा लेना। उसके बाद अगर अपन बात करें STSC वाले कैंडिडेट्स की, तो भाई STSC वालों को ना जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार सर्टिफिकेट बनवानी पड़ती है, कोई डेट का इशू नहीं है, कोई स्टेट सेंटर का इशू नहीं है, ठीक है। अब PWD कैंडिडेट्स का, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है आपकी सर्टिफिकेट्स का, कि आपकी सर्टिफिकेट्स की डेट्स एंड ये तो रिक्वायर्ड नहीं होती हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ PWD वाले सर्टिफिकेट्स की कुछ इशूइंग अथॉरिटी जो है वो फाइनल हो रखी है, तो आपको उस इशूइंग अथॉरिटी से साइन करवाने हैं। मैंने इशूइंग अथॉरिटी जो है सबकी, आपकी भी, OBC NCL PWD जनरल EWS STSC सबकी इशूइंग अथॉरिटी प्लस डेमो कि किस टाइप से आपका सर्टिफिकेट दिखना चाहिए, एक डिटेल्ड वीडियो में ना कवर कर रखे हैं सारी कैटेगरीज की, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जाकर के एक बार चेक कर लो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, जैसे आपकी फोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर, 10th की सर्टिफिकेट एंड साथ ही साथ अगर कोई कैटेगरी की सर्टिफिकेट लगती है वो आपकी रिक्वायर्ड होगी। 12th में आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो 12th की डॉक्यूमेंट्स या फिर 12th की सर्टिफिकेट अभी रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्योंकि CUET को भी पता है कि अभी आप 12th में हैं, ठीक है। तो ये आपको रेडी रखने हैं। इन डेप्थ की कैसा फॉर्मेट होता है, कैसे आपके दिखते हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जो अभी ऊपर आई टैप में आ जाएगी, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने डेमो भी आप लोगों को दिखाए हैं लास्ट ईयर के बच्चों ने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उनके, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो का अपन यहीं पे एंड करते हैं, एंड शायद मैं बीच में ये बताना भूल गया कि EWS के लिए भी स्टेट सेंटर नहीं होता है, सो आपको EWS की एक ही सर्टिफिकेट बनती है, आपको वो भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यार प्लीज लाइक बटन दबाना, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। पहले हमें जो है वीडियो का टॉपिक सोचना पड़ता है, फिर ढंग से देखना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स ढूंढने पड़ते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद वीडियो शूटिंग होती है, उसमें भी 20-30 रीटेक हो जाते हैं कई कई वीडियोज में, एंड उसके बाद हमें एडिटिंग करनी पड़ती है, उसको पोस्ट करना पड़ता है, तो बहुत लंबी प्रोसेस है। तो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोज के लिए ड्यूबडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में हमारे चैनल पे आपके लिए कंटेंट आता रहेगा। थैंक यू।